छत्तीसगढ़ पुलिस की एसआई रिक्रूटमेंट के लिए जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एक बार फिर से इस एग्जाम की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग सीजी पुलिस ने अपने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। क्या है ये नोटिफिकेशन हम जानेंगे। इससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आरोहण में। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट के वैकेंट पोजीशंस के लिए 23/8/2018 को एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश किया था। आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लास्ट डेट 16/9/2018 थी, जिसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया था 25/9/2018 तक, 25th तक इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। अब इस डेट को फिर से एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है और अब नई लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 तक आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बार फिर से इसकी डेट को एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है 1/10/2018 तक। अगर आपने अभी तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो प्रेस विज्ञप्ति देख रहे हो स्क्रीन पे, इसका पीडीएफ जो छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसका लिंक मैंने नीचे भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से भी ये पीडीएफ डाउनलोड करके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। फिर से वैसे सारा डिटेल आपको स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें फॉर्म कैसे फिल करना है उसको कम्प्लीटली डिटेल से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस की जो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, स्पेशली टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में टीम आरोहण इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरीके से कवर करने वाली है। इसका कंप्लीट कवरेज हम करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो हम आपको बताएंगे, साथ में ये बताएंगे कि आप फिजिकल एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जब आपको फिजिकल क्लियर करने के बाद रिटर्न टेस्ट देना होगा तो उस रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कौन से सेक्शन में फोकस करना है, कितना फोकस करना है, किस सेक्शन में कम ध्यान देना है, किस में ज़्यादा ध्यान देना है, कहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, साथ में उनका सॉल्यूशन और पूरी तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको कुछ भी चीज़ याद ना करना पड़े, आपको सारी बात एक बार इस वीडियो को देखने में, हम जो वीडियो आपको नेक्स्ट कुछ आने वाले दिनों में प्रोवाइड करेंगे उस वीडियो को देखने में ही आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से हम आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। हम आपके लिए इस रिटर्न एग्ज़ाम के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आप जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर हैं, वो सारे सब्जेक्ट हम इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सारी बातें, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। इस सभी जानकारी को पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइज़।